हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ थर्ड जियो रेफरेंसिंग के प्रैक्टिकल सेशन को लेके। और आज का जो वीडियो है, अगर आपके पास इमेज कोई भी रेफरेंस नहीं है, जियोरेफरेंस डाटा नहीं है और ये सिंपल एक इमेज आपके पास मिल जाती है, इसको आपने कैसे जियोरेफरेंस करना है। तो फर्स्ट, ये आपके पास सैटेलाइट इमेज है, आपको मालूम है क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो या स्टडी एरिया कर रहे हो कि कौन सी साइट का है, तो आपको वहाँ के जो लैंडमार्क है वो मालूम होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे पास है तलवारा, एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, उसका एक एरिया है। तो मैं इस सबसे पहले गूगल अर्थ को ओपन करूंगा। यहां पे मैं उस जगह का नाम ऐड करूंगा, तलवारा, और इसे सर्च कर लीजिए आप। ये देखिए आपके वो लोकेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये एक टैंक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डैम साइट है। डैम साइट के बाद एक रिजर्वायर यहाँ पे बना है छोटा सा, तो यहाँ पे सेम है, ये एक छोटा सा रिजर्वायर बना है और ये आपका एक डैम साइट है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी इमेज है, फर्स्ट उसने आपके जो ये चार कॉर्नर्स है इसको पहचानने की कोशिश करना है कि ये कहां से कहां तक की इमेज है आपकी। तो मेरी ऑलमोस्ट इतने एरिया को कवर कर रही है ये इमेज। अब इसमें क्रॉस सेक्शन को आपको ढूंढना है, जैसे इस इमेज में एक क्रॉस सेक्शन यहां पे बन रहा है तो एक यहां बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक पॉइंट ले लूंगा। ये मैंने एक पॉइंट यहां पर एड कर दिया, 1। आपने सीक्वेंस में चलना है, या तो यहां से इस साइड को, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे जब आप जियोरेफरेंस करोगे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां पे ले लिया, अब सेकंड मैं यहां पे लूंगा, मुझे एक क्रॉस सेक्शन यहां पे नजर आ रहा है। अगर आप इसको जूम इन करोगे तो आपको यहां पे दिखेगा कुछ क्रॉस सेक्शन बना है। अब ये रोड यहां गई, यहां पर मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो आप इसे जूम इन कर दीजिए। तो सेकेंड पॉइंट मैं यहां पर ले लूंगा, ये मेरा सेकेंड पॉइंट जनरेट हो गया, पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट को अब यहाँ पे सर्च करते हैं हम, ये रिवर है, ये यहाँ पे आपका स्ट्रिप एक दिख रही है, ये स्ट्रिप हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप से इस पॉइंट पे आपको एक ये वाला स्क्वायर कुछ दिख रहा है, ये देखिए स्क्वायर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ, तो ये स्क्वायर मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लूंगा। ये छोटा खेत इसके साथ ये ऊपर है, इसके साथ ये यहां पे है, तो ये मैं थर्ड पॉइंट लेता हूं। एक एज पे आपने रखना है इसके भी, जो आप रेफरेंस ले रहे हो, ये थर्ड पॉइंट। अब ऐसे ही आपने यहां पे फोर्थ पॉइंट ले लेना है। फोर्थ पॉइंट मैं यहां पे एक देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस इंटरसेक्शन के पास मैं फोर्थ पॉइंट ले लूंगा, ये यहां पे है, यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट ऐड कर दूंगा, ये पॉइंट नंबर 4। तो ये कंट्रोल पॉइंट्स मैंने चार यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। तो इसके साथ ही मैं कुछ दो इस साइड पे लेता हूं, ये फिफ्थ पॉइंट एंड 6th। आप यहां पे देखिए एक पॉइंट यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये सिमिलर फीचर है। ये पॉइंट 7, पॉइंट 8, तो इतने पॉइंट मिलने सफिशिएंट है। तो मैं यहां से इन्हें अब सेव कर लूंगा, ये कैट फोल्डर कर दीजिए, इसे मैं रेफरेंस पॉइंट के नाम से सेव कर दूंगा। और आपने क्या करना है, ड्रैग करके ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आपने लिए थे, कंट्रोल पॉइंट्स लिए थे, इन सभी पॉइंट्स को आपने ड्रैग करके यहाँ पे सेव कर लेना है। और सेव एज डेस्कटॉप पे आप कहीं पे भी अपना जो पाथ है आपने वहाँ पे सेव कर लीजिए एज ए KML फाइल। तो ये मैंने सेव कर लिया, अब मैं इसे यहाँ पे ओपन करूंगा। आपने क्या करना है, टूल बॉक्स पे जाना है, इस पर क्लिक कीजिए,
अब यहां पे कन्वर्जन, इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको करना है केमेल टू लेयर फाइल, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जो आपने केमेल फाइल अभी एज ए रेफरेंस सेव की थी उस ये वो फाइल है, उसे मैं ओपन कर दूंगा और यहां पे आएगा आउटपुट लोकेशन, जहां पे आपको ये जो फाइल्स है सेव करनी है तो उसकी लोकेशन आपको यहां पे ऐड करनी है। ये देखिए ये आपके जो पॉइंट्स थे वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो गए हैं, आपने इन्हें जूम टू लेयर करना है। जूम टू लेयर करने के बाद जो आपकी इमेज है वो सिलेक्ट कीजिए और फिट टू डिस्प्ले। अब आप यहां पे देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने, आप रेफरेंस यहां पे गूगल अर्थ को भी ले सकते हो फिर से एक बारी देखने के लिए। ये देखिए ये जो आपका एक एग्रीकल्चर सा पैच है उसके साथ में हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था, तो मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट को ऐड करूंगा। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा ऐड हो गया। सेकंड पॉइंट ये वाला था, सॉरी जी हाँ सेकंड ये क्रॉस सेक्शन बना रहा था, तो अब मैं सेकंड पॉइंट ये ले लिया। अब थर्ड पॉइंट यहां पे ये जो घर था इसका मैंने ये टॉप एज है जो इससे कंसीडर किया था, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट यहां पे जो क्रॉस सेक्शन था ये ऑलमोस्ट ठीक है, फिर ये एट ये सेवन पॉइंट आपको यहां पे क्लिक करना है, मतलब आप रेफरेंस इसे कॉन्टिन्यूशन में देते रहोगे। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके मैंने पांच और छह पॉइंट नहीं लिए, ये आपका यहां पे सही बैठ गया है, तो आप इसे ना भी लो तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये आपके अपडेट हो गया है, आप इसे फिर से सेम वही प्रोसेस है अपडेट जियो रेफरेंसिंग जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, या रेक्टिफाई कर दोगे तो एक नेक्स्ट आपकी जो फाइल है वो बन जाएगी, जो रॉ फाइल है वो सेव रह लेगी। अपडेट डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले में जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले ये अपडेट होगा, आपका जो मेन सोर्स है वो अपडेट नहीं होगा, जियो रेफरेंस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट जियो रेफरेंसिंग कर देता हूँ, जो एग्जिस्टिंग इमेज है उसको ही मैं यहाँ पे जियो रेफरेंस कर देता हूँ, तो ये मेरे अपडेट हो गए। तो इस ढंग से आपके ये अपडेट हो गया है। अब इसको आपने क्रॉस चेक करना है तो आप एक क्लिक कीजिए इस पॉइंट पे, अब इसके डिग्री मिनट सेकंड्स कॉपी कर लीजिए और आप यहाँ पे पेस्ट करके गूगल अर्थ पे सर्च करेंगे। ये देखिए तो ये हमने जो पॉइंट लिया था वो इस साइड का लिया था और यहाँ पे इस पे बैठा है, तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली जियो रेफरेंस हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कंप्लीट आर्क जीएस सीखना है या फिर क्यूजीएस के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा गूगल अर्थ के मेरे टोटल ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है इस चैनल पे, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ कुछ न्यू टेक्निक्स के साथ। थैंक यू।